I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day. बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज का डे 1-2-2 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे शोल्डर और कोर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होने वाली है। पूरा वीक स्ट्रेंथ करने वाले हैं, तो आज हमारा शोल्डर होने वाला है। और फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, डम्बल ओवरहेड प्रेस करेंगे। तो अच्छे से पहला वार्म अप कर लेते हैं, मोबिलिटी अच्छे से कर लेते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वार्म अप हमारा कंप्लीट हुआ, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डम्बल ओवरहेड प्रेस, जिसके हम टोटल 5 सेट करेंगे, 6 से 8 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग वेट में 22.5 kg ले रहा हूँ, 6 रेपिटेशन अगर ईजी आते हैं तो वेट इंक्रीज करेंगे, तो सेम रिपीट करेंगे वेट। So, start करते हैं। Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yeah, so do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a... Dumbbell overhead ke 5 set complete ho chuke hain. 22.5 ke 2 set kare, 6-6 repetition. फिर 25 करा, फिर 6-6 रेपिटेशन करे, फिर 27.5 पे 6-6 रेपिटेशन आ गए। काफ़ी अच्छा सेट था, ओवरऑल पूरा शोल्डर उसमें कवर हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है जो हम करने वाले डंबल साइड लेटरल रेस करने वाले हैं, और ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज रही है हमेशा शोल्डर की। इसी से मेरे को सबसे ज़्यादा पंप मिलता है शोल्डर में, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे शोल्डर की। इसको करें तो आप बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो, मूवमेंट होता है इसके अंदर अगर हैवी वेट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना है आपको। सिर्फ हल्का सा, जब आपको सिर्फ डंबल्स को ऊपर लिफ्ट करने के लिए इतना सा मूवमेंट रखिए। सो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं 12.5 kg से, 4 सेट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Side lateral raise भी हमारा complete हो चुका है, 12.5 के 2 set करें, और फिर उसके बाद में 15 kg के 2 set और करें। Total 4 set complete करें मैंने, और 8 repetition सब पे आ गए। Next time करने वाले हैं plat front raise with twist, काफ़ी अच्छी exercise है और बहुत अच्छा load भी feel होता है। इसके अंदर हमें plate use करनी है, plate को front raise करते हुए हल्का सा ऊपर ले जाके twist करना है। बहुत से जने इसको कार स्टायरिंग या फिर स्टायरिंग ट्विस्ट ऐसा भी बोलते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट होता है, स्टायरिंग के अंदर स्टायरिंग हम राउंड करते हैं, वैसे इसको प्लेट को भी करना है। लेकिन हम जो करेंगे उसमें हर फ्रंट रेस पे एक बार राइट गए नीचे लाए, एक बार लेफ्ट गए नीचे लाए, एक बार में ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट दोनों करा फिर नीचे आए। अभी हम सिंगल सिंगल करेंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ जब अच्छी गेन हो जाएगी, अच्छे से करने लग जाएंगे, तब आप भले दोनों कर सकते हो, क्योंकि कम से कम भी 2 या 3 सेकंड आपको ऊपर होल्ड करने में लगेंगे ट्विस्ट करने में, तो उतनी स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप होल्ड कर सको उस वेट को। सो अभी हम 10 kg से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 सेट करने, मिनिमम 6 रेपिटेशन तो आप रखिएगा ही रखिएगा, और 8 रेपिटेशन तक भी जा सकते हैं। 6 का मतलब ये हो गया 6 लेफ्ट से 6 राइट से, 6-6 12 रेपिटेशन आपको करने, 12 यहाँ तक रहेगा, फिर आपको 6-6 लेफ्ट साइड रहेगा, 6 राइट साइड रहेगा। तो एक बार स्टार्टिंग वेट हम 10 kg ले रहे हैं, अगर लगेगा तो 15 kg पे जाएंगे, बाकी एक बार अच्छा वेट है 10 kg। सो स्टार्ट करना। हाँ, प्लेट को कैसे होल्ड करना है, प्लेट ऐसे पकड़नी है आपको, इस प्लेट में जैसे आपको पकड़ने की ग्रिप दे रखी है, और कुछ प्लेटें होती है जो पूरी कवर होती है, तो उसको आप ऐसे डायरेक्ट पकड़ सकते। ठीक है, पहले तो शोल्डर को रिट्रैक्ट कर लीजिए, नी सॉफ्ट करनी है हमेशा, ये चीज का ध्यान रखिएगा, कोई सी भी स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज करें नी सॉफ्ट होना चाहिए। बैक आर्च
और लोड बना के रखना है, ये भी हमारी नॉन एक्टिव पोजिशन है, ये एक्टिव पोजिशन हो गई। फ्रंट रेस करा, ट्विस्ट करा, स्लो डाउन नीचे, ऐसे ही लेफ्ट पे फ्रंट रेस करा, ट्विस्ट करा, स्लो डाउन नीचे, ऐसे आपको 6-6 या 8-8 रेपिटेशन करना है। एक बार मैं फ्रंट से भी करके दिखाता हूँ। फ्रंट करा, राइट ट्विस्ट डाउन, फ्रंट रेस, लेफ्ट ट्विस्ट डाउन, ठीक है, ऐसे ही सेम काउंट करते रहिएगा और स्मूथ करिएगा। I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. शोल्डर में 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, इनफ हो गया, काफ़ी अच्छा लोड आया और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकल रही, बहुत अच्छा पंप मिला है। अभी लग नहीं रहा है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज और करनी चाहिए, लेकिन हमें वर्कआउट पूरा कंप्लीट भी करना है। सो अभी जो हम करने वाले हैं, राउंड प्रेस करेंगे, डंबल पे अल्टरनेटिव राउंड प्रेस करेंगे और इसके भी आप 6-6 या 8-8 रेपिटेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग वेट में 15 kg ले रहा हूँ क्योंकि अल्टरनेटिव करना है, अगर दोनों साथ में करना होता तो एक बार आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक डंबल्स को होल्ड रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉन एक्टिव पोजीशन पे नहीं रखना है, हमेशा एक्टिव पोजीशन पर ही होल्ड रखना है। दोनों डंबल्स यहीं रहेंगे, यहाँ से राउंड ऊपर गया, यहीं पे आया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो स्टार्ट, डंबल्स को यहाँ होल्ड करा, पले गए, नीचे लाए, please lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind? Please lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why pull back the curtain? ऑल्टरनेटिव डी राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 15-15 रेपिटेशन पे, 6-6 रेपिटेशन में कंप्लीट करे और 3 सेट करने थे। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि शोल्डर पूरा पंप हो चुका है, बहुत मुश्किल से होगा, तो बहुत ज़्यादा हैवी भी लगा और वेट नहीं इंक्रीज कर पाया। और आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले बारबेल पे अपराइट करेंगे और इसके हम 4 सेट करने वाले हैं। 6-8 रेपिटेशन आप कर सकते हैं, कोशिश पूरी 8 रेपिटेशन का करिएगा, 6 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन 8 रेपिटेशन अगर आप करते हैं तो 6-7 और 8 दो रेपिटेशन का जो मेन रोल रहेगा वो ज़्यादा लोड का रहेगा। तो कोशिश यही रखनी है 8 रेपिटेशन करने की, 6 भी आते तो कोई दिक्कत नहीं, वेट ऐसा चूज करिए कि आपके 8 रेपिटेशन आ पाए। सो अभी हम वेट ले रहे हैं 15 kg की हमारी प्लेट हो गई और 20 kg की रोड हो गई, टोटल 50 kg हो गया। पोस्चर का पूरा ध्यान रखना है, बस ऊपर लाए ऊपर, अधिकतर में अगर काउंट करें तो अपन 80-90% करीब जो होते हैं बिगिनर्स, वो हमेशा यही चीज़ की गलती करते हैं कि सिर्फ रोड को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी शोल्डर है और एल्बो का पोजीशन जो रहती है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, शोल्डर मतलब आपकी एल्बो इतनी ऊपर आना चाहिए कि शोल्डर के हॉरिजॉन्टल हो जाए आपकी एल्बो, तब जाके आपको काफ़ी अच्छा लोड फील होगा और इंजरी फ्री रहेंगे और मसल पे पूरा टारगेट होगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ रोड को ऊपर लाएंगे तो वो कोई ना टारगेट है, सिर्फ आप थकेंगे और हो सकता है कि अभी आपको नॉलेज नहीं है, मसल माइंड कनेक्शन नहीं है, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप वीडियो प्रॉपर देखिए, पहले भी मैंने इसके बारे में बता रखा है, वापस वहाँ जाके देखिए, इस वीडियो को देखिए, जहाँ जहाँ आपको मैंने अपराइट बताया वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या पोस्चर रहता है। केबल पे भी हमने करा है, अगर ये मुश्किल लग रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो आप केबल पे भी जाके कर सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। बस ये रहता है रोड का, बिल्कुल कंप्लीट फ्री है, केबल पे थोड़ा सा हेल्प हो जाती है कि आपका मूवमेंट होगा वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, इसके अंदर आपका हाथ अप डाउन हो सकता है, कहीं कहीं मेरे भी वीडियो में हुआ ऐसा, क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी बिल्ड नहीं हुई थी उस समय, अभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, अनबैलेंस हो, लेकिन कोशिश यही करेंगे हम करेक्ट करने की। तो आप भी कोशिश यही रखिएगा, करेक्ट करिएगा, और इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है, तो अभी डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इसमें 5-5 kg कम कर दिया है, नहीं हो पा रहा था फर्स्ट रेपिटेशन ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कम कर लिया। कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है हमें, प्रॉपर करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है।
सो अभी 10-10 केजी 20 केजी की हमारी रोड हो गई, स्टार्ट करते हैं। No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor. So guys, shoulder हमारा complete हो चुका है. Last में जो operate करा उसमें weight नहीं increase करा. Anterior trepidation 40 kg पे करे और last zoom करने वाले plank करेंगे. 3 set कर सकते हो, 4 set भी कर सकते हो. So plank के बारे में मैंने पहले बता रखा है. So let's start. Losing my mind, is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. So guys, आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ. काफी अच्छा वर्कआउट था शोल्डर का. काफी टाइम बाद अच्छा लोड फील हुआ, काफी अच्छा वर्कआउट भी हुआ. लास्ट में प्लैंक का आप कर सकते हैं 4 सेट तक. मैंने 3 सेट ही करे और प्लैंक करने में थोड़ा सा जोर आता है मुझे, इसलिए मैंने 3 सेट ही करे. बाकी आप 4 सेट भी कर सकते हैं. सो आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ. प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.